हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी दुकान पे था तो उधर आरिफ चाचा मिले मेरे को। तो मेरे को आरिफ चाचा बोले कि आज चल, मेरे को बहुत फिश खाने का मन कर रहा है। उनने कुछ तो भी इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखी थी कौन सी, तो उनको बहुत मन हो रहा है। तो मेरे को बोले कि उधर ही जाने का खाने को, तो तू जल्दी घर पे जा, अल्फिया को भी रेडी होने बोल, तो अपन जाते हैं खाने के लिए। तो अभी वो आने वाले में घर पे आया था रेडी होने के लिए, तो मैं तो रेडी हो गया हूँ, अल्फिया रेडी हो रही है, तो जाने वाले अपन खाने के लिए। तो मैं तुमको भी लेके चलता हूँ साथ में, तो अभी देखो क्या क्या मस्ती होती है। कहाँ जा रहे हैं अल्फिया? खाने। क्या खाने के लिए जा रहे? क्या मम्मी? हाँ, मैं तो तुम बोले रेडी हो गया, रेडी हो गया। अच्छा, तो करके तो आई कैसे? कहा भी चलो, पर चलो। आ गए अपने आरिफ चाचा। जिम में कौन से गाने सुन के वर्कआउट करते बोलो जरा? गम के गाने। गम के गाने? ऐसा कौन करता वर्कआउट गम के गाने सुनते? ये भी प्ले करो। कौन सा? ये सॉन्ग भी करता, गुल्ली माटा। गुल्ली माटा ये गाने सुन सुन के मैं इमेजिन करता कि मैं ये गाने में मैं डांस कर रहा हूँ। ये भी गाना सोचा था। A few moments later. हमने इंस्टा पे रील देख के नांडेगर पुल से साई चौक में आया छोड़ में खाने को मच्छी, मगर मच्छी खाए, झींगे खाए, बांगड़ा खाए, सुरमई खाए, बोमिल खाए, चिकन लेग खाए, सब खाए, सब खाए, मगर एंड में बिल दिए और बिल लेके निकले तो पूरा खाना छोड़ो एक तरफ, वो आखिरी में बड़ी शॉप मिलती ना, वो बड़ी शॉप ही अच्छी लगी, सब अच्छा नहीं लगा। क्या क्या सिर्फ मसाला। आरिफ चाचा को बोला था कि रील पे वगैरह देखते ये सब ऐसा उतना रील में अच्छा लगता है, रियल में अच्छा नहीं रहता। तो भी भाई रील थी, वो आपको भी गुंडल डाली रील मन हो गया था भाई को क्या मेरे को उधर ही खाने, उधर मच्छी तो वहाँ से कहा लेके आए खाने को? नहीं अच्छा, इतना भी ऐसा कुछ नहीं, ये ठीक था मतलब। मैंने खाना दिया बहुत अच्छा है, मगर टेस्ट ही नहीं, टेस्ट ही नहीं, इतने टेस्ट समझ के आए थे। अच्छा लगा इतना सोच के, इतना सोच के क्यों आ गए भाई? चटनी कैसी थी? डेंजर, बहुत डेंजर, धुआधार, धुआधार, धुआ धुआ, नुस्ता धुआ, लाल चटनी खाओ, नुस्ता धुआ। गाइस अभी रुके इधर, हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए। मैं आरिफ चाचा को बहुत मना करा कि मेरे को नहीं खाने का, नहीं खाने का, तो दुकान वाले के सामने चिल्ला रहे मेरे को, खा, एक से कुछ नहीं होता, नहीं आती खांसी ऐसा वैसा। क्या बोले? अभी आरिफ चाचा देखो कैसे आएंगे इधर। A few moments later. गाइज अब भी चक्कर मार के आए हम लोग, अब भी घूम के आए, तो भी इसको वापस जाने गए बाहर एक चक्कर मारने। अब भी इतना घूम के आए फिर भी क्या है इधर? आ गए हम लोग अभी चक्कर मार के भी, और इधर ही ब्लॉक को एंड करते। नहीं नहीं, इधर एंड नहीं कर रहे गाइस, वहाँ जाके खा के आए तो भी इसको चक्कर मारने के लिए, तो ऐसे ही एक इधर के इधर एक गोल राउंड मार के आया, तो अभी घर पे आया हूँ। बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पढ़ाई कर रहा है कि फोन देख रहा? पढ़ाई भी फोन। कहाँ से दिन निकला पढ़ाई का? एक्चुअली गाइज, इसको भी बोला था चल करके खाने के लिए, तो ये मेरे को बोला कि सुबह से मैंने बुक नहीं खोला हूँ, तो मैं बोला खोल फिर बुक एंड रख फोन। बोला मम्मी तुम भी क्यों नहीं आए? एक्चुअली मम्मी को बिरयानी खाने की थी घर पे, मम्मी ने बिरयानी बनाए थे, खीमे की बिरयानी बनाए थे, तो करके मम्मी नहीं आए, तो हम जाके आए। और ये देखो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, कल से एग्जाम, देखो फोन देख रहे हैं, मम्मा पढ़ाई कर रहे हैं, फोन कर रहा था मम्मा अभी पढ़ाई शुरू होगी उसकी 11 बजे। दिन भर क्या कर रहा था? जिम सोया था। अच्छा है भाई। तन्नू कौन सा पेपर है कल? देखे देखे गाइस देखे, भाई को मालूम नहीं कौन सा पेपर है, आज चला एग्जाम पढ़ाई करने के लिए।
ऐसा होने का रे टुमारो। तो गाइज अपना तन्नु भाई भी आ गया पेपर देके, गया था अब भी और आ भी गया लगेज देखते, अभी पूछ के भाई को पेपर कैसे गया। भाई कैसा गया पेपर? जैसा आया वैसा गया। सच्ची लिखा कि नहीं कुछ? लिखा, महक ने थोड़ा बताई। अब भी तो गया था तू, महक का कॉपी करके लिखा थोड़ा थोड़ा। तो गाइस जरा दुकान पे काम में तो जाके आते और दिखाता हूँ उधर उधर क्या। ये देखो ये बाय करने के लिए आए, जाते दुकान पे और फिर मिलते। तो गाइस जो काम था दुकान पे वो हो गया, वो करके आ गया और आते हो कि सामान भी लाने का था घर पे क्या क्या, तो वो भी लेके आ गया। तो अभी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइस मैं गया था नमाज के लिए, जुम्मा की नमाज हो गई और फिर दादा दादी के पास गया था ज्यारत करने के लिए उनकी, और फिर जो शबे बारात के दिन डेकोरेशन करे थे वो भी निकल के लेके आया अभी। तो अभी जा रहा हूँ घर पे और फिर घर पे जाके मिलता हूँ। फिलहाल आप इससे बात करो ये हसन से। हसन क्या बनने गए देखो बोल जरा सबको। यूट्यूबर भाई को यूट्यूबर बनने गए। अभी जाते घर पे और फिर मिलता हूँ आपसे। आप देखो उनके बॉडी गार्ड के साथ बैठे ले क्या रे बंदर, क्या कर रहा तू, क्यों रुके ले तू आज, जाना घर पे क्यों रुके ले आज, किधर जाने गए आज, किसका बर्थडे, क्या है आज का। तो गाइस आ गया था मैं घर पे और आज का सीन ऐसा है कि आज दो दो प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम ये कि अपना जो फ्रेंड है डोरा ओमकार उसके बच्चे का चिल्ला है, चिल्ला मतलब बार से, तो उधर जाने का है। और दूसरी बात ऐसी है कि आप आज निदा का भी बर्थडे, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्लान चालू है घर का। तो फिर अभी वो समझ रहा नहीं मेरे को कैसे क्या करूँ, दोनों प्रोग्राम में तो मेरे को जाने का ही है। तो मैं सिर्फ शाम को जाऊँगा डोरा के इधर, सिर्फ जाके उसको मुँह दिखा के आ जाऊँगा और फिर अपने निदा के बर्थडे में ज्वाइन हो जाऊँगा। तो अभी तो आया हूँ घर पर, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर तैयार होके निकलूँगा और दोस्त लोग के साथ जाने वाला हूँ मैं। एक्चुअली मम्मी और अल्फिया को भी लेके जाने का था डोरा के पास, पर अभी कैसे जाओ कैसे आओ बहुत भागम दौड़ हो जाएंगी, इसलिए मम्मी और अल्फिया को बोला कि तुम मत आओ मैं जाता और भाई को मिल के आता हूँ। तो गाइज मैं अभी रेडी हो गया और अभी निकलते हैं अपन, जल्दी से जाते हैं डोरा के बच्चे के छिल्ले में। तो शेषा कब से नीचे आके रुका है, वो आ रहा है साथ में, तो उसके फोन पे फोन आ रहे हैं मेरे को, तैयार होने को लेट हो गया। तो मैं जा रहा हूँ अभी और फिर मिलता हूँ आपसे गाड़ी में जा। भाई सॉरी ठीक है ना, चलना फालतू बोले भंगरडे। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे गिफ्ट लेने के लिए रुके, गिफ्ट लेके जाते बोले। तो सिर्फ हम दो तीन जने जा रहे थे पर अभी सब लोग साथ में ही आ रहे हैं बॉयज, तो अभी सब लोग हम लोग साथ में जाने वाले हैं। तो सबसे मिला था वो अभी आने के बाद आपको। मैं आया था प्रणीत भाई के घर पे उसको लेने के लिए, तो अभी देखेंगे जाते भाई लोग इधर चाय पी रहे। ये देखो विशाल भाई, ओ प्रणीत भाई झाड़ के पीछे क्या कर रहे हैं, झगड़े चालू झगड़े चालू, काय खोट बोलशील कुठे जात नाही कुठे जात नाही। हा अभी दुपार में भी आया तो आज पण आलो त्या दिवशी रात्री पण, मला माहिती त्या दिवशी ब्लॉग वर बघितलं होतं का, पण मला आजचं मला तो काय आलो म्हणला विसरले होऊन गेलं 10 मिनिट। अरे बापरे बापरे काय म्हणतो विसरलो म्हणतो। तू कॅमेरा चालू केल्यावर लास्ट तो कशी मी ना लागत भाई, तो बघ कसा बिंदास। थैंक यू भाई। तो गाइस यहाँ से निकल गए अभी हम लोग, गैंग आ गई, ऋषिकेश दादा हनी सनी। कंफर्टेबल है ना? बहुत बहुत। नहीं पीछा दो। मैं नहीं आऊंगा आना पड़ेगा। क्या बोला सनी तू? नहीं नहीं काय म्हटलं माहिती का सनी, काय हायवे ला कुठे ज्वेलर्स वाला दिसला तर थांबो गाडी, का तर भाऊंना गिफ्ट घ्यायचंय। हायवे ला कोण ज्वेलर्स वाला असतो? आम्ही दुकानांमध्ये असतो, पुढच्या गावामध्ये कुठलं जे काही लागेल ते, शिवापूर दादानी चालू केलं ना, नासरापूर। ओके ओके दादानी ज्वेलरी चालू केली, दादानी चकाचक ज्वेलर्स। तो गाइस आ गए अभी हम लोग इधर, डोरा
भाई काय नाव ठेवले बाळाचं? कॅटरीना ओमकार साळू. ओ निवंत उद्या निवंत उद्या उद्या तो गाइस डोरा के यहाँ से आ गया और इधर अभी मेरे को निदा के बर्थडे पार्टी में जाने बहुत लेट हो रहा है. तो अभी अपन ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग देख के मजा आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना. जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. अल्लाह हाफिज़.